हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अंजलि आप सभी का अपने नए ब्लॉग में स्वागत। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन उससे पहले हम आए हुए हैं लाइब्रेरी। लेकिन आज सिटी वाले लाइब्रेरी नहीं आए हुए, इप्सम आए हुए, तो थोड़ा सा आपको यहाँ का भी टूर दे दूँगी। सिटी वाला तो आपने देख लिया होगा मेरे ब्लॉग्स में, तो आज आप इप्सम का देखो कि आपको कैसा लगता है। हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, नहीं तो हम सिटी वाले ही जाते थे। चलो यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओह, सिग्नल मैच कर रहा है। पहले यहाँ का व्यू देखो। ये है यहाँ की लाइब्रेरी। इन्होंने गार्डन वगैरह बहुत अच्छे से कर रखा है। अभी आके देखेंगे इसको भी, बैठने के भी लिए भी है। कुछ ऐसी है यहाँ पे, थोड़ा सिस्टम अलग है ना। वहाँ पे सिटी में है कि उनका अपना एक कॉर्नर है, वहाँ पे सबमिट कर दो। यहाँ पे है, यहाँ पे रख दो बस। नहीं, रहने दो, रहने दो। यहाँ पे स्कूल हॉलीडे तो सब कुछ है कि क्या क्या होने वाला है। ये 15 दिन की छुट्टी है, तो ये पूरा प्लान कर लेते हैं। हाँ हाँ, देखो फुल बुक्ड हो चुके हैं। कुछ खाली है स्लॉट ऐसे ही? नहीं नहीं, टाइम भी तो हमारे पास भी तो होना चाहिए ना। You want this one also? Yeah. Lelo, take one. This one is you take? No. It's also a sticker. This is also a sticker for you. You can take this. Come here. Sure. यहाँ पे जो बच्चों का एरिया है वो ये वाला है। सिटी का ज़्यादा मतलब वैसा अच्छा किड्स एरिया। तामारी की मतलब होता है कि बच्चे, किड्स, छोटे बच्चे। यहाँ का गार्डन एरिया है। है तो काफी सुंदर है ना। कम है ना, अगर आपको इस एरिया का भी ब्लॉग चाहिए ना तो मैं बनाऊंगी। इतना सुंदर है ना ये एरिया, यहाँ पे भी रहने का सोच सकते हैं। लेकिन बहुत महंगा है ना। 750 मैंने सुना था, स्टूडियो अपार्टमेंट है 750 में। ये देखो T3 दिख रहा है ना आप लोगों को। T3 का मतलब है
क्या मतलब है? आप अच्छे से सोचो, कार में तीन लोग जा सकते हैं। हाँ, कार में अगर तीन लोग बैठे हैं तो आप ये रास्ता चूज कर सकते हो। तो यहाँ देखो, इस साइड आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा और इस साइड आराम से हम जा रहे हैं। निकल लीजिए, यहाँ पे तो कार रोक रखी है। ये इप्सन का मार्केट एरिया है शायद। आपको तो आज इस ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। अगर आपको ये प्रॉपर चाहिए ना तो बताना मेरे को, एक प्रॉपर ब्लॉग बनाया जाएगा इस पे। इप्सम पे कैसा लगा आपको इप्सम का लाइब्रेरी? क्यूट सा था, छोटा सा है ना। सिटी का काफी बड़ा है, बच्चों के लिए एरिया भी मतलब काफी बड़ा है यहाँ का। यहाँ मतलब मुझे लगता है लोग कम, तो ट्रैफिक बहुत है यार। कोई हॉन्क नहीं कर रहे, सब स्मूथली जा रहे। उसी बीच में होगा एक जिसका पेशेंस खत्म हो जाएगा, फिर रॉन्ग साइड कर देगा, सब जाम हो जाएगा। मेरा भी कुछ ऐसा ही था। सरोज बोलता था, अरे भाई मैं तो डेली मेरे घर से दिखता है, मैं क्यों जाऊं? मैंने कहा भाई चलना, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा मुझे, मैंने कभी नहीं देखा। ब्रेकफास्ट करके घर से तो निकले थे, लेकिन टाइम हो गया था लंच का। लंच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो हमारा खाना बाहर से ही आ रहा है। बाहर से डेली खाना बोलते भी हैं कि दिक्कत करती है, लेकिन इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैं रेगुलर इनसे ही लेती हूँ। शुभम भैया हैं ये, आप इनसे जाके मिल सकते हो। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मुझे खाना अच्छा लगा इसलिए मैं इनके बारे में आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पे जा सकते हो। इनका एड्रेस बीच रोड पे है, जो काउंटडाउन है जस्ट उसके ही सामने आपको दिख जाएगा। और खाना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है इनका खाना, और आप आराम से फैमिली के साथ भी जा सकते हो, आराम से बैठ के खा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। इनके रेस्टोरेंट का नाम, जैसा कि मैंने बताया, स्पाइस क्लब है, इंडियन रेस्टोरेंट है प्रॉपर। और मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, दाल मखनी चीज़ नान एंड गार्लिक नान, हम हमेशा से ऑर्डर करते हैं। आप भी जाओ और ऑर्डर करो। इस बार मैंने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है, वो है क्या, सात्विक के कपड़े में। ज़्यादातर क्या होता है कि मैं इंडिया से ही शॉपिंग करती हूँ। आपको पता है इंडिया में कितने सारे ऑप्शन हैं, अमेजोन है, मिंत्रा है, और फ्लिपकार्ट है, फर्स्ट क्राई है। तो सात्विक के जो कपड़े आते हैं ना, वो ज़्यादातर मैं उसके जो ऑर्डर करती हूँ वो फर्स्ट क्राई से करती हूँ। तो वहीं से उससे धूप बहुत तेज है यार, धूप बहुत तेज है। सनग्लासेस पहन के? नहीं नहीं, सनग्लासेस तो कार में ही रह गया। नहीं, कोशिश करती हूँ, अच्छा आ रहा है। तो सात्विक के जो कपड़े हैं वो मैं फर्स्ट क्राई से करती हूँ ऑर्डर। इस बार मैंने रिस्क लेके, और कुछ सामान भी मुझे घर का मंगवाना था, तो मैंने डेमो से ऑर्डर किया है। देखते हैं, आपके सामने ही पार्सल खुलेगा। ये उनके तरफ से ही थोड़ा सा फटा हुआ है, देखते हैं कि क्या आता है, कैसा आता है। और इसमें सात्विक के लिए भी सरप्राइज है, सात्विक भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेगा। लेकिन थैंक यू। तो पहले खोलते हैं इस पार्सल को और देखते हैं इसमें है क्या। देखने में तो लग रहा है कि अच्छा आया है कुछ, तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी, ठीक है। सच में यार, उम्मीद नहीं थी ऐसी चीज आएगी। पहला जो मैंने सात्विक के लिए मंगवाया है वो है ये, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है इतनी ठंड भी नहीं होती और इतनी गर्मी भी नहीं होती, तो उसके लिए ये बेस्ट है। सात्विक जिस दिन वेयर करेगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है यार। ये ऊपर का है टॉप वेयर, ये बॉटम
अच्छा लग रहा है। एक ये किया है और दूसरी चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है वो भी सात्विक का ही है और वो भी बड़ा प्यारा है। मैंने बहुत, पता है क्या होता है, अगर मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है ना तो मैं ऑर्डर नहीं करूँगी, मैं ढूंढती रहती हूँ। जब मुझे अच्छा लगता है तभी मैं ऑर्डर करती हूँ। ये इंडिया से ही मेरी प्रॉब्लम है, ये यहाँ आके नहीं हुई है। तो दूसरा ये है, ऐसा कुछ है, ये जीन्स वगैरह पे भी पहन सकते हैं, लेकिन ये पूरा सेट है। मैं इसको ना कॉट सेट टाइप का ही मंगवाती हूँ कि दोनों सेट रहे। ये देखो, दूसरा ये है, अच्छी क्या है पता है, पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो तीसरा भी सात्विक का ही है, सात्विक की हाइट थोड़ी लंबी हो गई है इस वजह से ना कपड़े उसके सारे छोटे हो गए। तो ये भी काफ़ी प्यारा, लेकिन पैंट मुझे काफ़ी लंबा लग रहा है इसका। ये भी है कुछ ऐसा, और ये देखो ये विंड शीटर टाइप का है और सब में हुडी है, ऐसा है कुछ, बहुत प्यारा प्यारा कलर है। और फोर्थ भी सात्विक का ही है सात्विक का बहुत सारा है इसमें, तो ये भी बहुत प्यारा कलर है। ये देखो ब्राउन कलर, और ये है शर्ट, इसमें भी हुडी है। मैंने हुडी वाले इसलिए मंगवाए ना, फिर कभी क्या होता है कि हल्का सा थोड़ा ठंड होता है तो ये थोड़ा सा तो प्रोटेक्ट करेगा ही। तो थर्ड वाला ये, जब जब सात्विक पहनेगा ना मैं आप लोगों को शो करूँगी। अगर आपको सबका प्राइस अगर पता करना हो ना तो आप बता देना कि प्राइस भी बता दो, तो मैं अगले ब्लॉग में आपको प्राइस भी बता दूँगी, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा किस वजह से। और एक मैंने मंगवाया है गणेश जी, ये फ्रंट गेट पे लगाऊंगी मैं, काफ़ी सुंदर लगा ये। टेमू में बताऊँ गणेश जी भी मिलने लगे, मैंने तो मंगवा लिया जाए। तो एक हमने ये मंगवाया, और ये हमने क्या मंगवाया सात्विक, इधर आओ देखो क्या मंगवाया, कम है इधर आओ। अभी सात्विक आ रहा है, अभी सात्विक का रिएक्शन देखना आप लोग। ये हमने सात्विक के लिए मंगवाया है, सात्विक को दवाई पिलाने के लिए। इसमें 5 ml दवाई आता है, सात्विक ऐसे किसी चीज को भी आप ड्रॉपर से पिलाते ना वो तोड़ देते हैं। ये ऐसे नहीं पसंद है इसको नाक दबा के, तो हम इससे पिलाएंगे इस आदमी को दवाई, ठीक है। तो ये सच में मैंने सात्विक के लिए मंगवाया है दवाई ववाई पिलाने के लिए, क्योंकि यार वो ड्रॉपर को तो ऐसे तोड़ता है ना कि कुछ मस्तूर को भी तोड़ देता, तो सीधा अंदर डाल के इसको पिलाया जाएगा दवाई। तो ये एक मंगवाया है। You don't like this? वो तब से अब वही चिल्लाएगा। और लास्ट में मैंने मंगवाया सीजर है आपके पास? लास्ट में मैंने मंगवाया, यहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा और मैंने सोचा यार टेमू से एक बार रिस्क ले लिया जाए। तो मैंने एक डोसा तवा मंगवाया है, चीला वगैरह बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है उनको। तो ये है डोसा तवा, इसको यूज़ करूँगी तभी आप लोगों को रिव्यू दूँगी, अभी तो फिलहाल नहीं दूँगी, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा काफ़ी, इसलिए मंगवाया है। और एक मैंने खुद के लिए भी मंगवाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। खुद के लिए मैंने मंगवाया है, मेरा मन नहीं था लेकिन अनिल ने बोला मंगवा लो। कुछ लोग हैं घर में जिनको लगता रहता है कि यार मैं मंगवाती हूँ। ये मैंने मंगवाया है स्कर्ट है ये सुंदर लग रहा है ना, स्कर्ट मंगवाया है और इसी के साथ टॉप है, ये अच्छा लग रहा है। ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और अब जो लास्ट गिफ्ट खुलने वाला है उसे देख के सात्विक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। अगर सात्विक आप यहाँ आना चाहते हो, आपको एक गिफ्ट दिखाऊंगी। देखो सात्विक बहुत ज़्यादा, पहले खोलती हूँ फिर देखना सात्विक खुश हो जाएगा। ये क्या है सात्विक? नो दिस इज नॉट मेडिसिन। क्या है? डॉक्टर डॉक्टर किट। यू लाइक दिस?
नो किसका है कैमरे में देखो किसी ने भेजा है सात्विक सात्विक के लिए किसका इलाज करना है सात्विक आई नीड टू बी डॉक्टर सात्विक एंड आई गिव यू इंजेक्शन इट्स नॉट फॉर यू नो दिस इज फॉर मी नो मैंने अपने लिए मंगवाया सो यही था हमारा आज का अनबॉक्सिंग वीडियो तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना और रिव्यू मतलब हमें तो अच्छा लगा है ना नहीं अभी तक तो ठीक लगा है जब साथ में पहनेगा तब आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगी कभी कभी होता है ना कि कपड़ों से एलर्जी हो जाए या कुछ ऐसा हो तो मैं वो भी आपके साथ शेयर तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ अभी के लिए बाय गुड नाइट